Assalamualaikum, welcome back with Suhaib Review 3.0. वीडियो को शुरू करने से पहले आज आपको मैं बात करने जा रहा हूँ कि रात के ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो आपके साथ बैठ के लाइव देखूंगा और आपको लाइव रिएक्शन दूंगा कि देखने से कैसा फील होता है और कैसा मुझे जैसे रात का इंतजार है क्या वैसी है। वक्त को जाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं और ताकि आप भी देखें और मैं आपके साथ देखूंगा रात मूवी का ट्रेलर और देख के मैं रिएक्शन दूंगा और आप मुझे देखेंगे और ट्रेलर को एंजॉय करेंगे। मुंबई शहर में फिल्म मैं आपको बताने वाला हूँ कि बड़ी लेवल की होने वाली है क्योंकि जिसकी स्टार्टिंग इतनी लेवल की उसकी एंड क्या लगता होगा। तुम भी यू होगा देखें यार क्या करना। लो जी मजा आने वाला, मजा लेवल क्या आने वाला, तहाई का मजा आने वाला। स्पेशलिस्ट चाहिए तो राधे साहब सलमान खान साहब आ रहे तो होता रेटरी के बाद क्या बात है यार, मजा आ गया देखने का मुझे। लव यू हो गया सारे दिन मारा दिया और एक हाथ से उठा सलमान खान साहब लव यू। बस जनाब सब कुछ वेले होके देखें, चांस आएगा देखें। दिया मेरे भैया ने, जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। नादिया लावला और गानों का म्यूजिक भी अच्छा है मुझे लग रहा है ट्रेलर के हिसाब से ना, गानों का म्यूजिक भी अच्छा है। दिशा साहब कहां ये बच्ची और कहां ये बाबा, लेकिन लेवल होगा इंतहाई का लेवल होने वाला है। गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। गाड़ियों से देखे ना यहाँ पे हम ना इस सीन में लेवल उड़ा दी टेंशन लेनी मां ये लगता नहीं है बंदा 56 का या 54 का होगा। क्या कमाल का शानदार किस्म के एक्शन करता है सलमान खान। लो जी सत्यम जेते और जॉन अब्राहम साहब नाचो फिल्म ताड़ी खुलाब जे इसने हिट हो जाना। मेरा दिल कहता फिल्म लेवल की होगी और प्रभु देवा ने क्या शानदार एक्टिंग और डायरेक्टिंग की है यार, समझ नहीं आ रहा क्या। ईद मुबारक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस ना अब जो जॉन अब्राहम जैसे और सलमान खान साहब के जितने भी हिटर है ना सारे निकल जाओ, ऐसे निकलो जैसे निकलने का हक होता है। क्योंकि सलमान खान साहब ना इस मूवी में किसी को टिकना ही नहीं देना क्योंकि इस मूवी में जैकी श्रॉफ का डायलॉग, रणदीप हुड्डा, दिशा और जो जैकलीन का डुमकेशों के देना देखने वाला। खैर रमजान है अपनी उकास से बाहर नहीं होना मैंने, मुझे तो ट्रेलर का आया मसा और आपने मुझे दिखाना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और सलमान खान के बारे में बताना चाहेंगे कि इनकी एक्टिंग। और यार मैं खदान ही होता हूँ कि यार ये 56 का मेरे यार हो भी सकता है एक साल पीछे हो या एक साल ज्यादा हो लेकिन ये 56 का है। क्या बात शानदार एक्टिंग। एक तरफ अनिल कपूर बुरा नहीं हो रहा और इसे तो माशाल्लाह अल्लाह लंबी उम्र से तंदुरुस्ती दे क्योंकि बॉलीवुड में पर्सनली आई लव इट, मुझे पसंद है क्योंकि फैमिली फिल्म बनाता है हट के कोई फजूल हरकते नहीं करता जिस तरह करते चढ़ते हैं बॉलीवुड वाले। मजा आया मुझे ट्रेलर देखने का और आप भी मुझे बताएं ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। ये पूरा ट्रेलर देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया और देख के मुझे भी बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसे लगा और आई होप आपने ये मूवी मेरे साथ बैठ के एंजॉय की होगी और आपको मजा आता होगा ये मूवी किस तरह की है और किस तरह का नहीं ट्रेलर इसका। और जाते जाते अपने भाई को इजाजत दे, मुझे ना कुछ एक्साइटमेंट हो रही है तो बोलना नहीं जा रहा। ज्यादा देर मिलेगा नेक्स्ट मूवी के रिव्यू में, नेक्स्ट सीजन के रिव्यू में, नेक्स्ट ट्रेलर के रिव्यू में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। और जाते जाते मूवी जिस तरह ट्रेलर एंजॉय किया ना इस मूवी का उस तरह ना
वीडियो को मेरी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। शुक्रिया, मिलूंगा नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।